चला विद्यार्थी मित्रांनों, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम छुड़ाने वाले हैं क्लास टेंथ का क्वेश्चन पेपर, और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पेपर है रिगार्डिंग टू योर एग्जाम। मराठी मध्ये याला सांगतात कृतिका, कृति पत्रिका दूसरी, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखने वाले, तो ये है एक गद्य विभाग, और गद्य विभाग में हम क्या देखते हैं, तो गद्य विभाग में हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, जो कि पैराग्राफ रहता है कितने मार्क का है, ये आपको पैराग्राफ दिए वाला है, ये 6 मार्क का पैराग्राफ है। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये पैराग्राफ में हमारा पहला मकसद रहेगा कि हमें सबसे पहले ये जो पैराग्राफ दिए वाला है ये एक बार हम पढ़कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये पढ़ना। पुढ़े पुढ़े मी चोरून वाचायला शुरुआत लागले, वान सामानाचे कागद सोडा मोडा करून उंदीर घुशीच्या बिडात ठेवायला लागले, एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला, माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भूंकजलेलेच्या तान्यास टोंड पसरी शिवार। यानी कि हमें क्या है, इसमें एक माऊली की ओड है। अब ये माऊली क्या है, या गदिमा या ओडीचा अर्थ स्पष्ट करा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिए वाला है, यहाँ पे एक आपको शब्द का अर्थ दिए वाला है, और शब्द का अर्थ आपको समझना है। यानी कि आपको क्या दिए वाली है, एक लाइन दिए वाली है, माऊली चा दुग्धा परी आले मुर्गा चे तुषार, भूकेज लिया तान्या समो टोंड पसरी शिवार। अब जो ये कहानी है सिंधुताई सपकाळ। सिंधुताई सपकाळ कौन थे, तो सिंधुताई सपकाळ एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व है, एक मोठे व्यक्तिमत्व है, ज्यांची एक एक गोष्ट है। गोष्ट म्हणजे काय, एक कहानी है। एक कहानी में क्या है, तो वो एक ऐसी लेडीज थी जिन्हें शादी के बाद उनके हस्बैंड ने क्या करा था, घर से निकाल दिया था। यानी कि त्यांच्या पति ने त्यांना घरातून बाहेर काढले होते, त्याच्यानंतर त्यांनी काय, ते म्हणतात की मी अनाथ झाले होते। अनाथ यानी कि जिसकी माँ बाप कोई नहीं रहते उसे अनाथ कहते हैं। ते म्हणाले मी अनाथ झाले होते, आणि अनाथ झाल्यानंतर त्यांनी कशा प्रकारे कष्ट सोसले। कष्ट यानी कि कष्ट का यानी क्या होता है, कष्ट का मतलब कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे है। तो इस वजह से इस पाठ में, या पाठात आपल्याला बघायचं आहे की त्यांनी कष्ट करून त्यांनी कशा प्रकारे आपले जीवन सुरू केले, अनाथ लोकांना मदत केली। अनाथ लोकांना मदत केल्यावर त्यांनी काय केलं, मग भुकेल्यांना अनाथ लोकांना आपल्या घरी ठेवले आणि त्यांना लहानातून मोठे केले। अब इसमें क्या दिए वाला है, देखो ये हमारा पढ़ना था, क्योंकि हमें 15 मिनट में ये क्वेश्चन छुड़ाना है। 15 मिनट से 6 मिनट हम अच्छे से क्या करेंगे, इस सबक को या इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मी वाचनाची भुकेली होते, यानी कि मैं पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, गदिमांच्या या ओडी मला भुरड घालत होत्या, त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती। बरीच गर्दी यानी कि बहुत ज़्यादा गर्दी होना, ठीक है। त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात तो कागद ठेवला, मात्र हाताला मुंगूत चावला। यानी कि मैंने क्या करी, अब देखो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधुताई सपकाळ या कवि या लेखिकांनी काय केलं, यांनी आपल्यामध्ये असलेला कागज, जो कागज होता आणि त्याच्यावर दोन ओळी लिहिलेल्या होता, ते घेऊन काय केले, ते एका बिडामध्ये ठेवले, ठीक आहे। तर कवितेतील मृगांच्या तुषावर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली, यानी कि क्या हुआ, फिर बाद में उनके हाथ पे मुंगूस ने आके क्या कर दिया, काट दिया था, ठीक है। तर जणू माझ्या अडचणीवर माझ्या ज्ञान तृषेचा अभिषेक झाला, मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी, मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता, मी प्रवाह झोकून दिला नाही स्वतःला, मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट तेच काळत, रक्त बंबाळ होत मी चालत राहिले। यानी कि क्या था, ये पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुझे क्या हुआ था, मला काय झालं होतं, तर मला एका मुंगूसनी चावलं आणि माझ्या हातावर, यानी कि मेरे हाथ पे क्या हो रहा था, तो मेरे हाथ पे
खून हो गया था, खून जमा हो गया था, ठीक है। तो हे त्यांनी सांगितलं, त्यानंतर एका रात्री घरच्यांनी घरा बाहेर काढलं, यानी कि घर के जो लोग थे उन्होंने क्या करे थे, घर के बाहर निकाल दिए थे। मी तुम्हाला सांगतो, मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पर सिंधुताई सब कार्ड के बारे में पूरा लिखे वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। एक बार रात के टाइम में उनके दूल्हे ने म्हणजे त्यांच्या पती ने त्यांना काय केलं होतं, त्यांना घराच्या बाहेर हाकलून दिले होते। आणि त्यांच्या हातात काय होतं तर ते सांगतात, गावाबाहेर पाठवून दिलं मी एकटी बाई जवळ एक लहान तान्हे बाळ, मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। यानी की मेरे पास जो बच्चा था वो मुश्किल से कितना था, तो 24 घंटे का भी नहीं होगा, यानी की एक दिन का भी। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते, पण माझ्यातली स्त्री शक्ती जागृत झाली, मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हतं, काय करावं ते मला कळत नव्हतं, पण निश्चयाने ठरवले, निर्धार केला, आपण अनाथ राहायचं नाही। सोनाथ वाइज, अनाथ का मतलब जिनके माँ बाप नहीं होते वो रहते अनाथ, और सोनाथ यानी के जो खुद के बल पे क्या करते हैं, अपनी जिंदगी बनाते, आपले जीवन बनवितात, त्यांना म्हणायचं सोनाथ। जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतो, क्योंकि मुझे आगे चल के बहुत सारे अनाथ लोगों की क्या बनना था, माँ बनना था आई। तर या एवढं आपण वाचलं, आपल्याला एक गोष्ट लक्षात असली पाहिजे की आपल्याला किती मिनटं आहे मोजून आपल्याला आहे, बघा मी सांगतो तुम्हाला, आपल्याला मोजून मिनिटे आहे पॅरेग्राफला 15 मिनटात आपल्याला काय करायचं आहे, पूर्ण पॅरेग्राफ वाचायचं आहे, आणि पूर्ण 15 मिनटात पूर्ण पॅरेग्राफ सॉल्व करायचा आहे, म्हणजे सोडवायचा आहे, यानी की छुडाना आहे हमें पॅरेग्राफ। उसके बाद पढणे में हमें 6 मिनट डालना है, कितने मिनट, 6 मिनट में हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। 6 मिनट में पढ़े बाद हमें जो बाकी के 9 मिनट में है वो पैराग्राफ के क्वेश्चन हल करना है। 9 मिनट में, कितने मिनट, 9 मिनट में पैराग्राफ के क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात हम सीखेंगे कि यहाँ पर सोमत, यानी कि सोमत का मतलब क्या है, जो कि हमें यहाँ पर 3 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए है, 3 मार्क के लिए सोमत है, यानी कि 3 मार्क के वास्ते हम सोमत पढ़ेंगे। सोमत में क्या है, तो सोमत सा क्वेश्चन का है, बगा सोमत सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको है कि अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओळ तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा, यानी कि अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओळ, म्हणजे त्यांना अनाथांची आई व्हायचं आहे, हे तुमच्या शब्दात, यानी कि तुम्हारे अल्फाजों में क्या करना है, लिखना है। तो हमें 9 मिनट में से हमें 5 मिनट जो है ये अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओळ, क्योंकि ये है कितने मार्क के वास्ते, सबसे बड़ा 3 मार्क, 3 मार्क के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हमें कम से कम 6 से 7 लाइन लिखना होगा अगर हमें 3 मार्क होना है तो। और इसके शब्दों में ही, प्रश्न में इसका अर्थ है क्या है, अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओळ स्पष्ट करा, कि क्यों उन्हें अनाथ हो, कि क्या होना था, माँ होना था, तो इस वजह से होना था क्योंकि उन्हें भी घर के बाहर निकाल दिया गया था, त्यांना पण सुद्धा घराच्या बाहेर निघाले काढले होते त्यांच्या पतीने। तर आता आपल्याला काय करायचं, हे लिहायचं आहे, अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओढ स्पष्ट करा। सगळ्यात आधी आपण लिहू, अनाथांची आई हा उतारा सिंधुताई सपकाळ यांच्यावर आधारित आहे। या उतार्यामध्ये सिंधुताईंनी आपल्या
अडचणींवर मात केले। मात केले का मतलब है किस तरह उन्होंने क्या करे अपने अडचणी ज्या होत्या त्यांच्यावर काय केलं त्यांनी विजय प्राप्त केला हे स्पष्ट केले आहे। तर बघा अडचणीवर मात केले आहे स्पष्ट केले आहे। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन कि सिंधुताईंना लहान वयातच लग्न झाले होते नंतर एका रात्री त्यांना त्यांच्या पतीने घराबाहेर हाकलून दिले होते। देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, 3 में से 3 आउट ऑफ मिल सकते हैं, क्योंकि मराठी में ज़्यादा लिखना और ज़्यादा लिखने के साथ आपकी हैंडराइटिंग भी सामने वाले को समझ में आना तो ये मेन रहता है, और जो आप लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो क्या है, घरा बाहर आकलून दिले होते, त्याच्यानंतर काय झालं होतं आपण पॅरेग्राफ मध्ये बघितलं कि ते त्या रडत होत्या, तो वो लिखने का कि वो क्या रो रहे थे त्या रडत होत्या लिख दिया हमने, वो रो रहे थे, पण वो त्यांच्या हातामध्ये लहान बाळ यानी के वो त्यांना वाटत होते कि ते कसे झाले अनाथ झाले, अनाथ यानी कि जिनके माँ बाप नहीं होते अनाथ झाले, पण तेव्हा त्यांच्यातली स्त्री शक्ती, बघा जे पॅरेग्राफ मध्ये ते पण सुद्धा आपल्याला लिहायचं, पॅरेग्राफ मध्ये आहे ते सुद्धा आपल्याला लिहायचं आहे। ठीक आहे, त्यांच्यातली स्त्री शक्ती स्त्री शक्ती का मतलब होता है औरत की ताकत। ठीक है, तो वो क्या हो गई थी, आ गई थी ऊपर की तरफ, स्त्री शक्ति जागृत झाली या जागृत यानी कि उठ गई, जागृत झाली वो त्यांनी निश्चय केला कि निश्चय केला कि मला अनाथ व्हायचं नाही, अनाथ व्हायचं नाही यानी के मुझे अनाथ नहीं होना है, मला स्वनाथ व्हायचं, स्वनाथ म्हणजे स्वतःच्या बळावर यानी के खुद के हिम्मत पे जगायचं। आणि ते अनाथांची आई झाली। तर स्वमत मध्ये आपण काय, हा प्रश्न होता अनाथांची आई होण्याची लेखिकेची ओढ स्पष्ट करा। अनाथांची आई लेखिका म्हणजे जो ये सबक लिखते हैं उन्हें लेखिका कहते हैं, और अनाथांची आई यानी कि जो लोग क्या है अनाथ है जिनको माँ बाप नहीं है उस तरीके। ठीक है, हम एक बार समझ लेते हैं पैराग्राफ को, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में दूंगा। अनाथांची आई हा उतारा सिंधुताई सपकाळ यांच्यावर आधारित आहे, म्हणजे अनाथांची आई ये जो उतारा आहे किस पे आधारित आहे, सिंधुताई सपकाळ पे है। या उतारामध्ये सिंधुताई यांनी आपल्या अडचणीवर
मात केलं हे स्पष्ट केले आहे. यानी कि उन्होंने किस तरीके से अपने परेशानियों पे क्या करे ओवरकम है, यानी कि अपने परेशानियों को दूर करे, ये बताया वाला है. सिंधुताईंनी लहान वयातच लग्न झाले होते. सिंधुताई जो होते उनकी बहुत ही छोटे उम्र में शादी हुई थी. नंतर एका रात्री त्यांना त्यांच्या पतीने घराबाहेर हाकलून दिले होते. एक दिन उनके दूल्हे ने उन्हें घर के बाहर भेज दिया था. त्या रड़त होत्या, वो रो रहे थे. वो त्यांच्या हातात लहान बाळ होती और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो ताना था. वो त्यांना वाटत होते कि ते अनाथ झाले और उन्हें लग रहा था कि अब मैं क्या हो गई, अनाथ हो गई हूँ. पण तेव्हा त्यांच्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली. मगर उनमें की जो स्त्री शक्ति थी वो क्या हो गई थी, बाहर की तरफ आई थी. वो त्यांनी निश्चय केला कि मला अनाथ व्हायचं नाही, मुझे अनाथ होना है क्या नहीं, मला स्वनाथ म्हणजे स्वतःच्या बळावर जगायचं, यानी कि खुद के बलबूते पे उन्हें जीना है. ये सिंधुताईंनी सांगितलं आणि ते अनाथांची आई झाली और इस वजह से वो अनाथ की क्या हो गई, आई हो गई. तो देखिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया अच्छी तरीके से. 15 मिनट हमारे पास एक पैराग्राफ छुड़ाने के लिए है. पढ़ने में टाइम हमने 6 मिनट डाल दिया. 6 मिनट बाद टाइम डाले बाद हमारे में 9 मिनट रह गए, ठीक है, लिखने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं बता रहा हूँ. और 9 मिनट में हमने 5 मिनट अच्छी तरीके से ये लिखने में डाल दिया और बाकी के रहे 4 मिनट. तो 4 मिनट में हम ये पैराग्राफ जो है स्थूल वाचन का, ये सॉरी गद्य उतारा का, उसका एक प्रश्न है जो हम छोटा है हम सॉल्व कर देंगे कि लेखिका वान सामानाचे कागद कोटे ठेवत असत. तो जो वान सामानाचे कागद लेखिका कोटे ठेवत असत, कुठे ठेवत होत्या ते, वान सामनाचे कागद. अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो हमें बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. कागद चोड़ा मोड़ा करून उंदीर घुशीच्या बिड़ा ठेवायला होते, यानी कि वो क्या करते थे, उंदीर या घूस, यानी कि उसके क्या करते थे, वो अंदर रखते थे. और इसी तरीके से संकल्पना स्पष्ट करा. ज्ञान तृषा, ज्ञान तृषा का मतलब क्या होता है, यानी कि मराठी मध्ये सांगतात ज्याला ज्ञान प्राप्त करण्याची ओढ आहे, ज्याला काय ज्ञान प्राप्त करण्याची ओढ आहे त्याला ज्ञान तृषा असे म्हणतात. ज्ञान प्राप्त करण्याची ओढ असणे त्याला ज्ञान तृषा. जेव्हा आपण लिहिणार तो प्रश्न आपल्याला सरळ सरळ, समजा ही आपली उत्तर पत्रिका है, यानी कि ये हमारी क्या है, आंसर शीट है. और हमें अगर क्वेश्चन लिखना है तो हम क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 डालेंगे और उसके बाद डैश डैश करेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन डाल के उसका आंसर जो है वो लिखेंगे. पहले का आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम कि वो कहाँ रखते थे पेपर, उंदीर घुशीचा बिड़ा. और जो दूसरा है वो है ज्ञान तृषा, उसका मतलब क्या है, ज्याला ज्ञान प्राप्त करण्याची, ज्ञान प्राप्त करण्याची काय आहे, आवड आहे, यानी कि पसंद. तो हम इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए. अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो हम रोज़ आपके लिए एक नया नया वीडियोस अपलोड करेंगे. और ये जो दिख रहा है आपको इसकी स्क्रीनशॉट हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर करेंगे. और आपको ये चीज़ बता रहे हैं हम कि हमारा जो एग्ज़ाम में एक ही दिन की छुट्टी नहीं है, क्योंकि उर्दू इंग्लिश के पेपर के बाद, उर्दू के पेपर के बाद डायरेक्ट हमारा मराठी का पेपर रहेगा, ठीक है. तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.